हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से यह टॉपिक है परीक्षण एवं मापन, यानी टेस्ट एंड मेजरमेंट्स। ये टॉपिक आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, एंड डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसी परीक्षण के कौन से मानक सोपान होते हैं। तो दोस्तों, किसी भी टेस्ट का या परीक्षण करना है तो उसमें आपके कौन कौन से मानक सोपान होंगे। यहाँ पे ऑप्शन है वैधता, यानी कि वैलिडिटी, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। तो दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त सभी सही होगा। जैसे कि दोस्तों, किसी परीक्षण के मानक सोपान होते हैं आपके रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैधता का अर्थ होता है, तो वैधता का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। परीक्षण उसी गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों, जो मानक मापने के सोपान है, वैलिडिटी यानी कि सबसे पहले वैलिडिटी देखा जाता है, यानी कि उसकी वैधता, कि क्या वह जिस परीक्षण के लिए बनाया गया है क्या उसी चीज को माप रहा है या नहीं। ठीक है। एंड दोस्तों, जो रिलायबिलिटी होता है, विश्वसनीयता होता है, उसमें किसी परीक्षण को, एक ही परीक्षण को बार बार परीक्षण लेकर के देखा जाता है और हर बार उसका स्कोर सेम आना चाहिए, तो बोला जाता है कि वह रिलेबल है यानी विश्वसनीय है। रिलायबिलिटी कई प्रकार का होता है दोस्तों। इन सब के बारे में जानने के लिए आप परीक्षण और मापन से रिलेटेड मापन के मानक सोपान वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, टेस्ट एंड मेजरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्वसनीयता का अर्थ है, विश्वसनीयता का अर्थ है विषय का क्षेत्र। ठीक है, यानी जिस चीज को हम माप रहे हैं उसका हर बार स्कोर एक जैसा आना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि एक ही व्यक्ति पर समान परिस्थितियों में उसी परीक्षण से दो या दो से अधिक बार माप किया जाए और उसका परिणाम लगभग समान हो तो वह परीक्षण कहलाता है। तो दोस्तों, यह परीक्षण कहलाएगा विश्वसनीय परीक्षण, यानी कि रिलायबिलिटी, रिलेबल है, विश्वसनीय है। नेक्स्ट है, 12 मिनट समय अवधि का प्रयोग किसी परीक्षण में किस कारक को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आप ये ध्यान में रखिएगा कि 2 मिनट तक की जो क्रियाएं होंगी वह एनएरोबिक होंगी, यानी उसमें हम शक्ति को माप रहे हैं, स्ट्रेंथ को माप रहे हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को, अधिकतम शक्ति को माप रहे हैं। अब 2 मिनट से ज्यादा की जो भी क्रियाएं होंगी उसमें आपका कार्डियो रिस्पायरेटरी इंड्योरेंस यानी सहनशीलता को आप माप रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 12 मिनट समय अवधि का प्रयोग किसी परीक्षण में किस कारक को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सहनशीलता यानी एंड्योरेंस को। नेक्स्ट है, मानवीय शरीर की चर्बी मापने हेतु शरीर में निम्नलिखित जगहों से नाप लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3 जगहों से। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर के आकार तथा अनुपात को मापने की विधि कहलाती है।
तो दोस्तों हमारे मानव शरीर के आकार अनुपात को मापने की यानी बॉडी कंपोजिशन को मापने की विधि होता है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री के बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है फुफ्फुस क्षमता का मापन किया जाता है। यहाँ पे फुफ्फुस का अर्थ है फेफड़ा यानी लंग्स, ठीक है। तो हमारे जो फेफड़ों की क्षमता होती है वह किससे मापी जाती है दोस्तों, वह मापी जाती है वेट स्पायरोमीटर से। नेक्स्ट है लंबर लॉर्डोसिस को कहा जाता है। तो दोस्तों लंबर लॉर्डोसिस को हालो बैक भी कहा जाता है, जिसमें हमारे कमर वाला भाग नीचे धंस जाता है और पेट बाहर निकल जाता है। इस पोस्टर डिफॉर्मिटीज के वीडियो में मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है कि काइफोसिस क्या है, लॉर्डोसिस क्या है, फ्लैट फुट क्या है, स्कोलियोसिस क्या है, इस सब के बारे में जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों मेरुदंड का दाहिने या बाई ओर झुकाव क्या कहलाता है। तो इसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी एक तरफ ऊपर की तरफ दूसरे तरफ और नीचे हिप की तरफ दूसरे तरफ मुड़ जाता है, इसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस बेबर परीक्षण निम्नलिखित हेतु उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों क्रॉस बेबर परीक्षण को 1954 में बनाया गया था न्यूनतम मांसपेशी क्षमता मापने के लिए, ठीक है, यानी कि मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मापता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। नेक्स्ट दोस्तों गोनियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित के मापन हेतु किया जाता है। तो गोनियोमीटर का प्रयोग हमारे दो जोड़ों को मापने के लिए, जोड़ों के लचीलापन को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे लचीलापन ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित के मापन हेतु किया जाता है। दोस्तों केबल टेंशन का प्रयोग ताकत मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बैक एवं लैग डायनेमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो इसका पीठ एवं पैरों की ताकत मापने के लिए बैक एवं लेग डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित के मापन हेतु किया जाता है। तो दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में क्या होता है, एक बेंच होता है उस जो पुरुषों के लिए 20 इंच यानी कि 50 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर का बेंच होता है। उसमें 5 मिनट तक सिट अप सिट डाउन करना होता है, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट तक रेस्ट लेने के बाद उसमें पल्स काउंट किया जाता है। ये होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, हम इस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है वो हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है, यानी हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता को डिटेक्ट करता है। एंड्योरेंस यानी सहनशीलता, तो यहाँ पे आपका सहनशीलता करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कॉलेज के युवकों हेतु लिए जाने वाले हार्वर्ड स्टेप परीक्षण में बेंच की ऊंचाई कितनी होती है। तो बेंच कितना ऊंचा होता है दोस्तों, यहाँ पे 20 इंच होता है, ठीक है। कितना 20 इंच, यानी कि यहाँ सेंटीमीटर में पूछेगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलिस्टिक टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित के मापन हेतु किया जाता है। तो बैलिस्टिक टेस्ट जैसे कि दोस्तों हमारे लचीलापन को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, बैलिस्टिक स्टैटिक डायनेमिक पीएनएफ मेथड। तो यहाँ पे बैलिस्टिक जो टेस्ट है वह लचीलापन का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जेसीआर परीक्षण में निम्नलिखित में से किसका समावेश है। तो दोस्तों जेसीआर परीक्षण को 1947 में बनाया गया था, ठीक है, जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट करने के लिए। एंड इसके अंतर्गत जे सी आर, जे से जंप, सी से चिनअप, आर से रन, यानी कि जैसे क्या हो जाएगा आपका, जैसे हो जाएगा जंप यानी कि वर्टिकल जंप, सी से चिन ऑफ, आर से शटल रन। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों परीक्षण शब्द बना है। तो परीक्षण शब्द टेस्ट ट्यून से बना है, किससे बना है, टेस्ट ट्यून से बना है।
नेक्स्ट है, परीक्षणों द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है, एकदम सत्य है यह। नेक्स्ट है, परीक्षण की आवश्यकता होती है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में, ठीक है, परीक्षण की आवश्यकता होती है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में, किस किस चीज में? ऑप्शन है, खिलाड़ियों की कृतित्व क्षमता के मापने में, कुशलता की परख करके विकसित करने में, प्रतियोगिताओं की भावनाओं के विकास में। तो दोस्तों इन सभी क्रियाओं में परीक्षण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में परीक्षण का महत्व है, ऑप्शन है, खिलाड़ियों का चयन करने में, प्रशिक्षण योजना के निर्माण करने में, खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी में महत्व होता है परीक्षण और मापन का। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छे परीक्षण के लक्षण हैं। तो दोस्तों अच्छा परीक्षण वही माना जाएगा जिसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी हो। तो यहाँ पे विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, तीनों जिसमें अच्छा पाया जाता है उसको हम अच्छे परीक्षण के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी लक्षण होने चाहिए। नेक्स्ट है, शारीरिक स्वास्थ्यता के मापन में किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है, रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आफर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो दोस्तों ये सभी आपके शारीरिक स्वास्थ्य के मापन की परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मादक दवाओं के सेवन के कारण परीक्षा का महत्व अधिक हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, एकदम सत्य है। जब से डोपिंग और मादक दवाओं का प्रयोग खिलाड़ी करने लगे हैं उस समय से परीक्षा का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानक के कार्य हैं वर्गीकरण, पूर्व कथन व तुलना, परामर्श एवं निर्देशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में विभिन्न परीक्षण हैं, शारीरिक क्षमता परीक्षण, गामक क्षमता परीक्षण, खेल कौशल परीक्षण। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा में ये सभी परीक्षण कराए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, माप को व्यक्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसको व्यक्त करने के लिए आवश्यक है मात्रक और संख्यात्मक मान दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकृति के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है। तो यह आपका समय श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, इन तीनों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है। तो यह व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, इन तीनों में विभाजित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन सी प्रकृति के आधार पर श्रेणी नहीं है? तो यहाँ पे व्यक्तिगत श्रेणी प्रकृति के आधार पर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, स्थान श्रेणी क्या है जिसमें आंकड़ों को क्रमबद्ध किया जाता है? तो यह स्थान और भौगोलिक आधार दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट दोस्तों, समय की इकाई से तात्पर्य है, तो वर्ष, माह, दिन, घंटे, समय से इन सभी से तात्पर्य है, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मूल मात्रकों को व्यक्त किया जाता है, तो मूल मात्रकों को किससे व्यक्त किया जाता है दोस्तों? एमकेएस सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मापन का महत्व है, ऑप्शन है, इस प्रथाओं में स्थान का निर्धारण करने में, कि खेल क्षेत्रों के माप निर्धारित करने में, कि ए एंड बी दोनों, के इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, एथलेटिक्स स्पर्धाओं में मापन क्या है? ऑप्शन है, लंबी कूद में लैंडिंग क्षेत्र में लंबाई, ऊंची कूद में क्रॉस बार की ऊंचाई, दौड़ों में लिया गया समय, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी में एथलेटिक स्पर्धाओं में मापन का महत्व है, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में मापन का विशेष महत्व है,
एकदम दोस्तों, बिना मापन के सारी शिक्षा एक खेल को संपन्न ही नहीं हो सकता, एकदम सत्य है। नेक्स्ट है, मापन का उदाहरण सही है, ठीक है। हॉकी मैदान की लंबाई चौड़ाई एंड वॉलीबॉल खेलों के मैदान की लंबाई चौड़ाई, व्यक्ति का भावनात्मक विकास। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, हॉकी मैदान की लंबाई चौड़ाई, वॉलीबॉल खेलों के मैदान की लंबाई चौड़ाई। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का संगठन किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों इसको बनाया गया आफर यूथ फिटनेस टेस्ट के द्वारा 1958 में, प्यूल हंसिकर और गाय जी रिप के द्वारा। एंड आफर यूथ फिटनेस टेस्ट को 5 दिसंबर 2013 को इसका नाम बदलकर सेफ अमेरिका हो गया है, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों। आफर यूथ फिटनेस टेस्ट का वीडियो आप जरूर देख लीजिए, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विचलन की प्रारंभिक माप कौन सी है? तो विचलन की प्रारंभिक माप विस्तार होता है, ठीक है। प्रारंभिक मान होता है, सबसे पहले उसका विस्तार किया जाता है विचलन में। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित परीक्षण नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, जॉनसन वॉलीबॉल टेस्ट, जॉनसन सॉकर टेस्ट, लेलिक बास्केटबॉल टेस्ट, डायर टेनिस टेस्ट। आप इसमें से पहचानेंगे दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें। वॉलीबॉल टेस्ट में वाली दो टेस्ट हैं, रसल लंड वॉलीबॉल टेस्ट एंड ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट। यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे जॉनसन वॉलीबॉल टेस्ट आपका नहीं है, आपका नहीं है, है में क्वेश्चन बहुत सारा गलती होता है, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पूछा है कौन सा खेल शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित परीक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जॉनसन वॉलीबॉल टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित परीक्षण नहीं है? इसमें भी आपको छांटना है। आफर यूथ फिजिकल टेस्ट ये तो है ही, जेसीआर टेस्ट भी है, मधुमेह का परीक्षण इसमें से नहीं है, तो यहाँ पे मधुमेह का परीक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गामा क्षमता यानी कि मोटर फिटनेस के मापन में किन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पुलअप्स, दौड़, सिटअप्स एंड उपरोक्त सभी। तो इन सभी का गामा क्षमता यानी कि मोटर फिटनेस के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्षमता यानी टोटल फिटनेस है। ऑप्शन है शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, दोनों का संयुक्त रूप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संपूर्ण क्षमता यानी टोटल फिटनेस जो है आपका शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता दोनों का संयुक्त रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का प्रयोग के क्षेत्र हैं राजकीय, व्यापारिक और सामाजिक तुलनात्मक अध्ययनों में, तो इन सभी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में परीक्षण एवं मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रभाव कि भविष्य हेतु शारीरिक क्रियाओं की स्थिति, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी दोनों, ठीक है। यदि हम सही परीक्षण मापन करेंगे, उसके अनुसार हम कार्यक्रम तैयार करेंगे, तो हमारा कार्यक्रम और अच्छा होगा। अब भविष्य हेतु हम बता सकते हैं कि हाँ इस बच्चे में क्या कमी है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मापन का उपयोग किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में कि व्यवसायिक क्षेत्र में कि चिकित्सा के क्षेत्र में कि उपरोक्त सभी में? तो दोस्तों जो मापन है वो हर एक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है दोस्तों, हृदय की कार्यशीलता का मापन किया जाता है, तो हृदय की कार्यशीलता का मापन किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा। इसको शॉर्ट में ईसीजी बोला जाता है, ईसीजी का ही फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसी प्रकार हम मस्तिष्क की विकृतियों का पता कैसे लगाते हैं? ईईजी से, यानी इलेक्ट्रो इंसेफेसोग्राम यानी ईईजी, जिसे मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी से हृदय संबंधित असमानता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो सिस्टोलिक रक्तदाब जो होता है 110 से 130
30 mmHg होता है। वैसे तो ब्लड प्रेशर दोस्तों आपका होता है 120-80, यानी कि 120 जाने का और 80 आने का, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, व्यक्ति की लंबाई मापने का उपकरण क्या है? तो दोस्तों व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई मापने का उपकरण होता है स्टेरियोमीटर। नेक्स्ट है, मोटापा मापने का यंत्र है तो इसको मापा जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा। नेक्स्ट है, 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापन होता है। तो 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा दोस्तों सहनशीलता को मापा जाता है। यहाँ पे सहनशीलता यदि नहीं देगा, कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस देगा तो कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस सही होगा। अगर वो भी नहीं देगा, न सहनशीलता दिया है न कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस दिया है, यदि एरोबिक दिया है तो एरोबिक सही होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एंड दोस्तों टेस्ट एंड मेजरमेंट से जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन थे वो समाप्त होता है। एंड अब दोस्तों मैं रचना विज्ञान एंड क्रिया विज्ञान एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक टॉपिक से उन सबको कवर करूंगी। उस चीज को कवर करने के बाद मैं सभी खेलों से रिलेटेड टॉपिक को कवर करूंगी। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।